हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है स्पेशल चटपटी और खास स्टोरीज। तो दोस्तों, देखते हैं आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। प्रयागराज कुंभ में इस समय नागा साधुओं का जमघट लगा हुआ है। आमतौर पर लोगों को नागा साधुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनकी दुनिया ही रहस्यमय होती है। जो लोग अखाड़ों के बारे में नहीं जानते, उन्हें ये जानकर हैरानी हो सकती है कि नागा साधु कई प्रकार के होते हैं। खूनी नागा, खिचड़ी नागा, बर्फानी नागा, नागाओं को लेकर ऐसे तमाम शब्द प्रचलित हैं जो श्रद्धालुओं को हैरान करते हैं। खूनी नागा शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर खूनी नागा कौन होते हैं और इनके नाम का रहस्य क्या है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। किसी भी अखाड़े में प्रवेश के बाद पहले 3 साल उन्हें महंतों की सेवा में बिताने पड़ते हैं, ताकि वो अखाड़ों के नियमों को समझ सके। इसके साथ ही उनके ब्रह्मचार्य की भी परीक्षा ली जाती है। इसमें सफल होने के बाद उनका मुंडन कराया जाता है और फिर क्षिप्रा नदी में 108 बार डुबकी लगानी पड़ती है। नागा साधुओं को अखाड़ों में भस्म, भगवा और रुद्राक्ष जैसी 5 चीजें धारण करने को दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें सन्यासी के तौर पर अपना सारा जीवन व्यतीत करने की भी शपथ दिलाई जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ों को छोड़कर पहाड़ों पर या फिर जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर रहकर अपनी साधना करते हैं। अखाड़ों के बीच मान्यता है कि इलाहाबाद के कुंभ में नागा बनने वाले सन्यासियों को राजयोग मिलता है, शायद इसलिए उन्हें राजा राजेश्वर नागा कहते हैं। वहीं हरिद्वार के कुंभ में नागा बनने वाले सन्यासियों को बर्फानी नागा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और कुंभ के अन्य आयोजन स्थलों के मुकाबले हरिद्वार में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां नागा बनने वाले सन्यासी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। उज्जैन के कुंभ में जो नागा बनते हैं उन्हें खूनी नागा की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि खूनी नागा सैनिक की तरह होते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए खून भी बहा सकते हैं। खूनी नागा अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। उज्जैन में महाकाल की पूजा होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि इसका प्रभाव उज्जैन में नागा बनने वाले सन्यासियों के स्वभाव पर भी पड़ता है। इसी वजह से उज्जैन में नागा बनने वाले गुस्सैल होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खूनी नागा बनते कैसे हैं। खूनी नागा साधु बनने की प्रक्रिया में उस व्यक्ति को रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। इसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर विजया हवन करवाते हैं और फिर सभी को क्षिप्रा नदी में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। उसके बाद अखाड़े के ध्वज के नीचे उनसे दंडी त्याग करवाया जाता है, फिर जाकर वो नागा साधु बनते हैं।